बिग बॉस पर लग रहा है शिव पे मेहरबान होने का आरोप। शिव या विकास, कौन है झूठा? जानिए क्या है मराठी बिग बॉस सीजन 2 का सच। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 16 में शिव बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं। शिव मराठी बिग बॉस सीजन 2 के विनर रह चुके हैं। बीते एपिसोड में शिव पर एक आरोप लगाया गया और ये आरोप कोई और नहीं बल्कि बिग बॉस सीजन 16 में बतौर वाइल्ड कार्ड पहुंचे विकास ने लगाया। दरअसल विकास पर भी ये आरोप है कि वो शिव के खिलाफ अर्चना को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल विकास ने अर्चना को ये बताया कि मराठी बिग बॉस सीजन 2 में शिव ने अपने ही एक साथी कंटेस्टेंट को दांत से काट लिया था और वो जख्मी हो गए थे, जिसके बाद शिव को बिग बॉस के घर से निकालने की बात कही गई, लेकिन शिव ने उस कंटेस्टेंट से माफी मांग ली और उसने माफ भी कर दिया, इसलिए शिव को निकाला नहीं गया। तो अर्चना के मन में ये सवाल उठने लगा कि जब यही कंडीशन अर्चना के साथ हुई थी तो अर्चना की माफी को शिव ने स्वीकार क्यों नहीं किया। अर्चना ने शिव से सवाल किया तो शिव जवाब दे ही रहे थे, लेकिन इस बीच बिग बॉस ने इंटरप्ट किया और बिग बॉस ने विकास को फटकार लगाई और ये कहा कि बिग बॉस के घर के बाहर की बात आप बिग बॉस के घर में नहीं कर सकते, वो भी किसी को टारगेट करने के लिए। बिग बॉस मराठी सीजन 2 के बारे में बिग बॉस ने विकास से कई सारे सवाल किए, विकास जवाब नहीं दे पाए और ये कहने लगे कि उन्होंने वो सीजन देखा ही नहीं था। तब बिग बॉस ने ये सवाल किया कि जब आपने देखा ही नहीं था तो आप किसी भी टास्क को जज कैसे कर सकते हैं, जिसके बाद से बिग बॉस की भी आलोचना की जा रही है कि बिग बॉस शिव का पक्ष ले रहे हैं। जब सृजिता की वापसी हुई थी तो उन्होंने टीना को टारगेट किया, टीना के बारे में उन्होंने बिग बॉस के बाहर की कई सारी बातें की, लेकिन बिग बॉस ने सृजिता को नहीं टोका और बकायदा टीना को टारगेट करने दिया। इसीलिए बिग बॉस को लोग शिव का पक्ष लेते हुए बता रहे हैं और उन पर यह आरोप लग रहा है। वहीं अब दूसरी तरफ चलते हैं मराठी बिग बॉस सीजन 2 की ओर। जिस टास्क की विकास बात कर रहे हैं और जिसकी क्लिप सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई है, उस क्लिप में साफ तौर पर यह दिख रहा है कि शिव ने अपने साथी कंटेस्टेंट्स को दांत से काटा जरूर था, लेकिन शिव जो उनके गला पकड़ने की बात कर रहे थे वो भी झूठी नहीं है, क्योंकि दूसरी वायरल हो रही क्लिप में वो कंटेस्टेंट शिव का गला पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर कहीं विकास को झूठा तो कहीं शिव को झूठा बताया जा रहा है, तो कहीं बिग बॉस पर पक्षपात करने का आरोप लग रहा है। कुल मिलाकर कहानी का सारांश यही है कि बिग बॉस मराठी 2 जिन्होंने देखा है वो ये दावा कर रहे हैं कि शिव ने उस वक्त जो किया वो भले ही गलत था, लेकिन शिव को उस समय बिग बॉस के घर से बाहर निकाला नहीं जा सकता था। उन्हें बिग बॉस के घर में नियम का उल्लंघन तोड़ने की सजा दी गई थी, उन्हें नॉमिनेट कर दिया गया था और ये इस आधार पर किया गया कि जिस कंटेस्टेंट्स को उन्होंने दांत से काटा था उसने उन्हें माफ कर दिया था। आखिरकार बिग बॉस का आखिर फैसला उस कंटेस्टेंट के ऊपर ही था जिसने उस समय ये फैसला लिया था कि शिव को बाहर नहीं जाने दिया जाना चाहिए और बिग बॉस ने उसी फैसले को स्वीकार किया था। तो कुल मिलाकर कुछ लोग शिव का पक्ष ले रहे हैं तो कुछ लोग विकास को सही बता रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि एक छोटी सी क्लिप देखकर किसी को जज नहीं किया जाना चाहिए। शिव ने जिसे दांत से काटा था उनका नाम था आरूप वेलणकर और वो खुद इस समय बिग बॉस के मराठी सीजन 4 में भी नजर आ रहे हैं, जहां राखी सावंत एक प्रोमो में उनके ऊपर पानी फेंकते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे में अब शिव के फैंस आरोप के लिए ये कह रहे हैं कि उन्होंने जैसा किया है वैसा ही उन्हें अब सामने से मिल रहा है, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। टीवी और बिग बॉस से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं।